जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सबको सीमाज किचन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए पनीर का और एक रेसिपी लेके आई हूँ, पालक पनीर का रेसिपी। चलिए जानते हैं मैं किस तरीके से बनाई हूँ। एकदम इजी तरीके से बताऊँगी, आप लास्ट तक देखते रहिए कैसा बनाई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाने के लिए। पालक 200 ग्राम ले लिए हैं, धो के साफ करके रख ली हूँ। पनीर 200 ग्राम लिया है, जिसको क्यूब में काट लिए हैं। मसाले में ये सब लिए है, प्याज, एक प्याज को फाइन चॉप करके ले लिया है, दो टमाटर को फाइन चॉप करके ले लिए है, 8 से 10 कली लहसुन लिए है, आधा इंच का टुकड़ा अदरक ले लिए है, 6 से 7 काजू ले लिए हैं और 2-3 हरी मिर्च को ले लिए हैं। यहाँ 8 से 10 लहसुन को इस तरह चॉप में काट लिए हैं। तड़का लगाने के लिए 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीन का टुकड़ा 1 इंच का, आधा चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ता ले लिए हैं। सूखे मसाले में हल्दी पाउडर आधा चम्मच, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट गेहूं का आटा 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच ले लिए हैं। ये सब सामग्री लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लास्ट तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। एकदम इजी तरीके से बताई हूँ। गैस ऑन करके एक भगोना चढ़ा लीजिए या कोई भी बर्तन, बड़ा वाला बर्तन चढ़ा लीजिए। उसमें आधा पानी डाल दीजिए। पानी उबलने के बाद हम पत्ते को डाल देंगे, पालक के पत्ते। आज हम पेस्ट बना के बनाएंगे, पालक के पत्ते का पेस्ट बना के हम सब्जी बनाएंगे। पानी गर्म हो गया है तो उसने पालक के पत्ते को डाल दिए हैं। 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे, ज़्यादा नहीं उबालना है। हमारा पालक पत्ता उबल गया है, अब उसको बंद करके गैस को नीचे उतार लीजिए और तुरंत पालक के पत्ते को ठंडे पानी में धो लीजिए या फिर किसी बर्तन में ठंडे पानी लेके उसमें डाल दीजिए पालक के पत्ते को, जिससे कि पालक पत्ते का कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। पानी में डाल दिए हैं, अब उसको ठंडे पानी से निकाल ले रहे हैं। अब उसका एक पेस्ट बना लेंगे। एक मिक्सिंग जार में पालक पत्ते को देके एक पेस्ट बना लेंगे। उसके साथ अदरक, लहसुन, 2 हरी मिर्च और 6 से 7 काजू को भी डाल देंगे और पेस्ट बना लेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये तीखा वाला हरी मिर्च नहीं है, आप चाहे तो मिर्च को स्किप कर सकते हो। अब बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए, बिना पानी डाले हमारा पेस्ट इस तरह बना है। अब उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल के एक सिल्की स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है, एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है। हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, इसको साइड कर लीजिए और गैस ऑन करके एक फ्राई पैन चढ़ा लीजिए। हमें यहाँ इंडक्शन में एक कढ़ाई चढ़ा लिए है। अब उसमें 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। रिफाइंड ऑयल के साथ 1 क्यूब बटर भी डाल दिए हैं। आप अपने पसंद के तेल से बना सकते हो, घी, बटर, रिफाइंड ऑयल या और किसी ऑयल में भी बना सकते हो, खाने वाला ऑयल में। जैसे ही तेल गर्म हुआ है हम उसमें पनीर को डाल के थोड़ा फ्राई कर ले रहे हैं। आप चाहे तो बिना फ्राई करके भी बना सकते हो। हल्का सा फ्राई होने के बाद हम निकाल ले रहे हैं पनीर को।
और कढ़ाई में तेल बच गया है, उसी तेल में हम तड़का लगा दिए हैं। और थोड़ा चला ले रहे हैं। तड़का चटकने के बाद अब उसमें कटा हुआ प्याज को डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ प्याज को ग्रेट करके भी ले सकते हो या पेस्ट बना के ले सकते हो। हम यहाँ एकदम फाइन चॉप करके ले लिए हैं और प्याज को अच्छे से भून ले रहे हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। जब भी आप मसाला को भूने, गैस के फ्लेम लो टू मीडियम में रहना चाहिए, नहीं तो मसाला जल जाएगा और सब्जी का टेक्सचर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। प्याज अच्छे से भून गया है, अब उसमें जो फाइन चॉप करके टमाटो लिए थे उसको डाल दिए। आप यहाँ टमाटो को भी उसी तरह ग्रेट करके या पेस्ट बना के ले सकते हो। जैसे ही टमाटो डाले उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, जिससे कि टमाटो गल जाएगा। हमारा टमाटो अच्छे से गल गया है, अब उसमें सारे सूखे मसाले को डाल देंगे। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और जो एक चम्मच गेहूं का आटा लिया है उसको भी डाल देंगे। ये जो गेहूं का आटा है, हमारे जो पालक का पेस्ट बना है थोड़ा पानी छोड़ेगा, इसलिए गेहूं के आटे देने से वो पानी नहीं छोड़ेगा और अच्छा टेस्ट आएगा। सबको डाल के अच्छे से चला ले रहे हैं, मसाले को भून ले रहे हैं। मसाला भून रहा है, अब तले ना लगे या ना जले इसलिए थोड़ा पानी डाल के चला लिए। अब उसमें जो पालक का हरा पेस्ट है, अदरक लहसुन का, उसको डाल दिए। पालक में थोड़ा सा कड़वापन रहता है, उसको काटने के लिए हम यहाँ काजू आटा डाल दिए हैं। हमें जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी भी डाल दिए हैं और चला लिए हैं। अब ये और एक इंग्रेडिएंट है जो दिखाना भूल गई थी। दही 2 चम्मच डाल दिए हैं और अच्छे से चला के हम 2 मिनट के लिए ढक लिए हैं कुक होने के लिए। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के जो कसूरी मेथी लिए थे उसको थोड़ा भून के डाल दे रहे हैं घिस के हाथ में और मिला ले रहे हैं। ये जो दही है पालक का कड़वापन हटाने के लिए लिया है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। अब उसमें जो कटा फ्राई किया हुआ पनीर है उसको डाल दे रहे हैं ग्रेवी में और मिला ले रहे हैं। फिर से कुक होने के लिए 2 मिनट के लिए ढक देंगे। दो मिनट के बाद ढक्कन खोल के देखिए, हमारा पालक का ग्रेवी रेडी हो गया है। हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए और हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया है। अब उसमें हम कुछ कटे हुए अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो नहीं तो स्किप कर सकते हो, लेकिन ये मुंह में आने से खाने के टाइम बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जो हरी मिर्च है तीखा वाला नहीं है, आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हो। हमें इतना ग्रेवी चाहिए। हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। दूसरे साइड में एक तड़का प्यान चढ़ा लिए हैं। अब इसमें 1 बड़े चम्मच घी डाल दे रहे हैं। घी गरम हो जाए तो उसमें जो कटा हुआ लहसुन था हमारा उसको डाल दिए। अब उसको ब्राउन होने तक पकने देंगे घी में। अब हमारा लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब उसका गैस का फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं। अब उसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए। ये जो तड़का है हम पनीर के ऊपर डाल देंगे।
देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब रेडी हो गया हमारा सिल्की स्मूथ और बहुत टेस्टी वाला पालक पनीर रेसिपी। आप इसको रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, नान किसी के साथ भी खा सकते हो। अब उसको एक सर्विंग बाउल में सर्व कर दे रहे हैं। गर्मा गर्म पालक पनीर रेसिपी। रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आप मेरे नए नए आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। अब उसमें थोड़ा ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दे रहे हैं, गार्निश कर दे रहे हैं पनीर में। सर्व हो गया पनीर, पालक पनीर रेसिपी। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए।